अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अना फातिमा और इस वक्त रमज़ान चल रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए, पता नहीं क्यों, लेकिन व्लॉगिंग इन रमज़ान होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू मी, क्योंकि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही रमज़ान में किया था। इट वॉज़ लाइक 29 मई 2018, 2 साल होने वाले हैं एंड इट जस्ट मीन्स अ लॉट टू मी जब मैं रमज़ान में व्लॉग करती हूँ, क्योंकि इट ब्रिंग्स बैक दोज मेमोरीज। जब मैंने पहली दफ़ा व्लॉग किया था वो व्लॉग अभी तक यूट्यूब पे है, इवन दो मुझे उससे बहुत एम्बेरसमेंट होती है, बट आई वॉन्ट ओन इट, क्योंकि मेरा पहला व्लॉग था और पहला व्लॉग सबका ही वियर्ड होता है। आज मैं जो भी करूँगी उसको मैं व्लॉग करूँगी, क्योंकि ओ माय गॉड, आई थिंक मैं अपने हर व्लॉग में यही कहती हूँ कि आज मैं जो भी करूँगी उसको रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन आज मैं सच में करूँगी। अच्छा, मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे कि अपनी रमज़ान की रूटीन व्लॉग करो, मगर मेरी कोई रूटीन ऐसी है नहीं। मतलब मैं सहरी से पहले सोती हूँ, सहरी के लिए उठती हूँ, सहरी के बाद फिर सो जाती हूँ और उसके बाद दोपहर में उठ जाती हूँ, मतलब 12-1 बजे। आज भी यही हुआ था, 12 बजे उठी, जोहर की नमाज़ पढ़ी, मैंने कहा चलो व्लॉग कर लेती हूँ, तो मैं वो कह रही हूँ। अब हम चलते हैं बाहर ना, एक पार्सल आया हुआ है लाउंज में रखा हुआ है, क्योंकि हम अंदर नहीं ला रहे कोरोना की वजह से, तो पार्सल आया हुआ है वो हम चल के खोलते हैं। मनी हाइस्ट की मैंने एक शर्ट ऑर्डर की थी तो वो होगी, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी उसको पहनने के लिए और देखने के लिए। चलें, ऑल्सो बड़े मज़े की बात बताती हूँ, ईद करीब आ रही है तो एक्नी ने सोचा कि ओ माय गॉड, ज़ैनब का जो हमारी दुश्मनी है वो हम फिर से निभाते हैं। मेरे मुंह पे एक्नी बढ़नी शुरू हो गई है। वैसे जब से मैं 18 की हुई हूँ ना, लास्ट ईयर इन दिसंबर, तब से मेरी एक्नी पागलों की तरह बढ़ रही है। एंड द वियर्डेस्ट पार्ट इज़ कि मैं अपने मुँह का जितना ख्याल रखती हूँ उतनी बढ़ती है, जितना नहीं ख्याल रखती तब कम हो जाती है। मतलब जिन दिनों मैं मेकअप करके सो जाती हूँ, अगले दिन सुबह धोती हूँ, उन दिनों मेरी एक्नी जा रही होती है, और आजकल जब मैं अपने मुंह का बहुत ख्याल रख रही हूँ, प्रॉपर स्किन केयर कर रही हूँ, तो मेरी एक्नी बढ़ रही है। मतलब ये क्या है? आईवी को कोई बहुत कमाल चीज़ लगते नज़र आ रही नीचे, मतलब ये पता नहीं क्या देख रहा है। आईवी, आईवी क्या है? अच्छा, हम लोग इफ्तारी बनाने लगे हैं। इस वक्त 5:20 हो रहे हैं और 6:39 के करीब मगरिब की अजान हो जाती है लाहौर में, तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है। अब हम लोग बस करने ये लगे हैं कि हम पकौड़े बनाएंगे। मेरी जो छोटी बहनें हैं ना दोनों, उनको सब्जियां नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए हम लोग मिक्स पकौड़े नहीं बना रहे। मुझे वैसे वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम लोग खाली आलू वाले पकौड़े बनाएंगे और अनियन रिंग्स बनाएंगे और हम लोग दही फुल्कियाँ बनाएंगे। और एक चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है, जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं आई थिंक खाता होगा इफ्तारी में, लेकिन मुझे दाल के साथ बहुत ऑब्सेशन है। लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद दाल। तो मैंने मामा से कहा कि मैं पूरा आज रोजे के दिन में ना, मेरे दिमाग में इमेजिनेशन में दाल चल रही थी, मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने, तो मैंने मामा से कहा मामा प्लीज़ दाल बना दें, तो उन्होंने मेरे दाल बनाई है ताकि मैं इफ्तारी में खा सकूँ। मुझे ना दाल इस तरह पसंद है कि मैं एक बोल में बस सूप की तरह पीती रहूँ, लीमू निचोड़ के, तो मुझे बहुत पसंद है, तो वो दाल भी होगी मेरे लिए। ओके, इस वक्त हम लोग इफ्तारी के लिए टेबल लगा रहे हैं। हम लोग ऐसे कह रहे हैं, इसे सारे मेरी हेल्प कर रहे हैं, मैं अकेली हूँ और अभी तक बस इतनी सी हुई है, लाइक अभी कुछ भी नहीं हुआ और मैं ये खजूरें इसमें रखने लगी हूँ। मैं खजूर नहीं खा सकती बगैर इसके, लाइक दिस इज माई सेवियर, आई लव दिस। अजान आ रही है, लीमू पानी की चीजें अजान की आवाज आ रही है। Thank you.
तो रोजा इफ्तार करने के बाद मैं इतना ठूस चुकी थी कि ना मुझसे कुछ रिकॉर्ड किया गया और मैं सो गई। नाउ दैट आई वोक अप एंड स्टार्टेड एडिटिंग दिस वीडियो आई रियलाइज कि मैंने इस वीडियो की कोई एंडिंग तो रिकॉर्ड ही नहीं की, सो दिस इज इट। मैंने सोचा एन इमोजी के साथ कुछ बना लेती हूँ। तो इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, कॉमेंट डाउन बिलो, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों का रमजान बहुत अच्छा गुजर रहा हो। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।